सो गाइस ये कोई हाई रैंक गेम नहीं है, नॉर्मल गेम है, बट वन ऑफ द बेस्ट आई थिंक। सो इसमें क्या सीन है, इस हीरो के साथ क्या सीन है कि शुरुआती लेवल में आपके पास एक टेलीपोर्ट स्किल है एंड नॉर्मल एक रैंक स्किल है, एंड विच जो आपको शुरुआती लेवल्स में इजीली अर्ली गेम में आपको सेव कर सकता है एंड इजी किल्स दे सकता है। बट जैसे ही आप लेट गेम जाओगे आपका लिटरली एक स्किल होगा जो कि अनलिमिटेड टाइम यूज़ होगा, अगर इसका सेकंड स्किल लेट गेम में जाने के बाद एक ब्लास्ट प्रोड्यूस करता है एंड वो ब्लास्ट अगर आपका एनिमी को हिट करेगा तो वो उसका कूल डाउन जीरो हो जाएगा, लिटरली कूल डाउन जीरो हो जाएगा और उस अटैक का लिटरली बहुत ज़्यादा डैमेज है। कोई वो अटैक लिटरली किसी भी स्पेसी चैम्प्स लाइक अटैकर्स वगैरह को वन शॉट कर सकता है एंड आपका फर्स्ट स्किल भी अपग्रेड होने के बाद स्टन करता है एनिमी को एंड स्लो करता है, तो उसका कॉम्बो लिटरली वन शॉट एनी स्पीसी। एंड फाइटर्स को आपको दो शॉट पड़ेगा, मींस एक बार आपको सेकेंड स्किल को दो बार यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा फाइट वगैरह हुआ था और लिटरली ये बंदा पता नहीं क्या कर रहा था, इधर ही मेरे से फाइट ले रहा था, आई थिंक ये बंदा न्यू था शायद से गेम में एंड इधर ही मेरे से फाइट ले रहा था, मेरे टावर के अंदर ही, टावर बोलूँ क्या बोलूँ, हाँ गोल के अंदर ही फाइट ले रहा था एंड भाई वो गंदा तरीके से मारा मैंने उसको और इधर से मेरे को 5 लेवल्स मिल गया। अभी भाई देखो मेरा वो फर्स्ट स्किल का जो डैमेज है वो लाइक 20% HP तो ले ही रहा है एनिमी चैंप का, एंड अभी देखना जब उसको मैं अपग्रेड करूँगा तो उसका डैमेज कितना हो जाएगा एंड लिटरली वो पूरा का पूरा आधा HP ले रहता है। अभी ये बंदा जो था, ये फाइटर यहाँ पर छुपा हुआ था, इसको लग रहा था मेरे को मालूम नहीं है एंड ये सोच रहा था कि मेरे को अटैक करे एम्ब्रस पे, बट भाई मैं था चालाक और मैंने भाई इसको ईजिली मार दिया। आई पिकाचू किधर जा रहा था, किधर जा रहा है भाई पिकाचू, तो पिकाचू तो गया यहाँ पर एंड ये रहा पिकाचू को मैंने मार दिया एंड चलो फटाफट अभी गोल कर लेता हूँ। अभी इसमें क्या सीन है ना गाइस, अर्ली गेम में अगर आपको कुछ भी पॉइंट मिले ना तो मैं सजेस्ट करूँगा गोल कर लो, क्योंकि फाइट्स होती है ज़्यादा एंड आपको लिटरली आपका वो वेस्ट हो सकता है बॉल्स वगैरह। अभी ये फाइटर जो था मेरे को मारने के लिए दौड़ रहा था एंड आई थिंक शायद मैं यहाँ पर मर जाऊँ, आई डोंट नो। सो आपको ना इस हीरो के साथ देखो इसका डैमेज देखो गाइस, सेकंड स्किल का जैसे डैमेज देखो लिटरली 30% HP खा गया उसका, गया ये देखा, अरे गॉड भाई गॉड, देखा कितना डैमेज है इस हीरो का, लिटरली एक स्किल, अभी तो जस्ट मैं 6 लेवल पे हूँ और एक सेकंड स्किल वो फाइटर का 30% HP खा गया, लिटरली 30% HP। अभी देखो ये मेरे को पीछा कर रहा है, बच गया मैं गुस्से हो के एंड देखो कितना HP खा गया उसका, लिटरली गाइस दिस इज जस्ट, मतलब क्या बोलूँ मैं, दिस इज इनसेन। ओके तो मैं मेरे को किल नहीं मिला इधर एंड वन मोर थिंग, इसका जो रेंज है ना फ्यूचर साइड का ये अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकते हो आप किधर आपको देना है एंड इसका रेंज लिटरली इनसेन है, कहीं भी चल जाता है एंड आप लिटरली दूर से ही मस्त हो। यहाँ पर पिकाचू है, आई थिंक इसको मैं ले सकता हूँ इजीली, इसका HP भी लो है। ओके मेरे टीममेट्स आ रहे हैं, आई थिंक वो ले लेंगे किल्स। ओके पिकाचू गया एंड उसको ढूंढ के मारना पड़ेगा, इधर ही कहीं था। ओके ये है, यहाँ पर है वो, गया ये देखा वन शॉट, लिटरली वन शॉट, मेरे को उसके क्लोज भी नहीं जाना पड़ा। क्लोज क्या मतलब, अगर आप एक नॉर्मल बेसिक अटैक वाले अटैकर खेलोगे लाइक ये नॉर्मल वाला, बट तो आपको उसके क्लोज जाना पड़ेगा इसके फिर उस, या फिर उसके रेंज में आना पड़ेगा बस। बट इस हीरो का इतना रेंज है ना कि लिटरली आप कहीं से भी मार सकते हो, लिटरली पूरा मतलब क्या बोलूँ इतना रेंज। और देखो ये स्लो कर दिया उसको, ओके वो मेरे क्लोज आ गया, खत्म, लिटरली गाइस इनसेन डैमेज, जस्ट इनसेन। बट आपको ना इस हीरो के साथ थोड़ा सेफ रहना होगा, आपको ना इस हीरो के साथ थोड़ा सेफ रहना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर लेवल 5 और 6 इसके पास एक भी लाइक टेलीपोर्ट अटैक नहीं बचता है, तो आपको सेफ रहना पड़ेगा थोड़ा सा। एंड वन मोर थिंग, इसका डैमेज हाई है बट वही मतलब थोड़ा स्पीसी ये है, तो आपको सेफ रहना पड़ेगा लिटरली। देखो उसका मैंने जस्ट 2 स्किल यूज़ किया एंड हेल्थ देखो उसका लाइक लिटरली 20% HP में, 20% भी नहीं 10% HP बचा हुआ है अभी जस्ट, मेरे को अभी परफेक्टली यूज़ करना पड़ा सेकेंड स्किल। ओके गया, तो गाइस आपको ना अपना सेकेंड स्किल परफेक्टली यूज़ करना पड़ेगा, वो मतलब मेन स्किल है इसका। कॉम्बो के लिए आप जस्ट अपना फर्स्ट स्किल यूज़ कर सकते हो उसको स्लो करने के लिए देन सेकेंड स्किल, बट फर्स्ट स्किल का उतना डैमेज नहीं है एंड सेकेंड स्किल का डैमेज देखो गाइस, इधर 4 बंदे इधर तो निकलना ही से रहता है।
देखो गाइस देखो, बस जस्ट में इतना रेंज है ना मेरा कि मैं दूर से ही जस्ट डैमेज दिए जा रहा एंड लाइक वो लोग मेरे को टच भी नहीं कर पा रहे हैं। एंड अल्टीमेट भी इसका जस्ट ओपी है, इतना स्लो कर देता है सबको, स्टन कर देता है एंड इतना डैमेज देता है ना। अल्टीमेट प्लस फर्स्ट स्किल प्लस सेकंड स्किल, खत्म, एनिमी खत्म। देख रहे हो इधर मेरे को इजी डबल किल मिल गया, इजी, पूरा इजी। अभी इजी गोल करो। अभी मैं आपको सजेस्ट करूँगा अर्ली गेम्स में जितना भी आपको गोल पॉइंट्स मिले ना, सारा गोल करते जाओ एंड जब आपको थोड़ा लेट हो जाए ना, देन आपको गोल पॉइंट कलेक्ट करने चाहिए, क्योंकि अर्ली गेम्स में भाई मरने का चांस ज़्यादा रहता है। तो अगर आप किसी तरह आपको टारगेट करके मारा गया ना, तो ईजिली आप सारे अपने गोल्ड पॉइंट्स बोल रहा मैं, मतलब गोल्ड पॉइंट्स सारे लॉस्ट कर दोगे। तो अर्ली गेम में भाई देखो कितनी, भाई मेरे टीममेट्स ने किसी में से किसी ने यूज़ भी नहीं किया था अपना स्किल, और मैंने जस्ट अपना फर्स्ट स्किल और सेकंड स्किल यूज़ किया और उसका 20% एचपी बचा, मतलब वेरी इनसेन। अभी ये फाइटर मेरे को टारगेट करके मार दिया, ऑब्वियसली भाई मारेगा ही, इतना लो एचपी था, मेरे को उधर से निकल जाना चाहिए था, मेरा गलती था, उधर निकल कर थोड़ा हील कर लेना चाहिए था, और इधर अपन दो जन मर गए। अभी देखो इस का रीडिंग पढ़ो फ्यूचर साइट का, जब भी आप किसी एनिमी को हिट करते हो ना, कूलडाउन पूरा रिड्यूस हो जाता है, बट अभी तो कूलडाउन 3 सेकंड पे आता है, मतलब 3 सेकंड पे आ जाता है रिड्यूस होके, बट जैसे ही और एक बार इसको आप अपग्रेड करोगे ना, इसका कूलडाउन लिटरली 0% हो जाएगा, लिटरली 0%, मतलब स्पैम कर सकते हो आप सेकंड स्किल अगर आप अच्छे से खेलोगे तो, एंड लाइक इटली वन शॉट कर सकते हो किसी भी किसी चैंप को एंड लाइक फाइटर्स वगैरह को 2 शॉट। अभी से ये फाइटर छुप छुप के गोल करने वाला था, तो भाग रहा था ये, तो वैसे ये भाग गया। आई डोंट नो मैं इसको मार पाऊंगा या नहीं, तो गाइस अभी मैंने यहाँ पर क्या किया ना, इसको थोड़ा बेट किया एंड ये भी पीछे ही पड़ गया, और यहाँ पर मेरा एक फ्रेंड था और उसने भाई इसको पेल दिया आसानी से। तो आप इसे इजीली बेट भी कर सकते हो एंड उतना जल्दी मरोगे नहीं आप, क्योंकि आपके पास आपका फर्स्ट स्किल है जो कि उसको स्टन एंड स्लो कर देगा, तो उतना जल्दी नहीं मरोगे। और इधर इजीली मेरे को उधर 2 किल्स मिल जाएंगे, देखो डैमेज देखो, जस्ट गाइस डैमेज देखो, मतलब लिटरली 1 शॉट। अभी उसने मेरा अपना अल्टीमेट यूज़ किया, बट कोई फ़ायदा नहीं, अपन 3 जन है, मेरे पास इतना ज़्यादा डैमेज है, अल्टीमेट यूज़ करे वो कुछ भी करे, लिटरली 1 शॉट में मार सकता हूँ उसको मैं। अभी मैं पहले बता दूँ कि इस हीरो से आप लिटरली 1v1 सबसे नहीं कर सकते एंड जनरली भाई, तो मतलब थोड़ा सेफ खेलना एंड थोड़ा पीछे रहना टीम के एंड डैमेज देने का ट्राई करना। लाइक मेन इस हीरो का ना मेन काम है डैमेज देना, लाइक इनसेन डैमेज इसका। एंड नॉर्मली मैंने और सारे चैंप्स खेले बट उनका इतना डैमेज नहीं है जितना इसका डैमेज है। देखो लिटरली पिकाचू को 1 शॉट, उसका 30% एचपी था, फिर भी मैंने 1 शॉट कर दिया, तो मतलब कुछ तो खास है ना इस पे, कुछ तो खास है इस हीरो पे। तो गाइस अभी ये स्पॉन हो गया था एंड इधर इसको भी देखो अभी 1 शॉट कैसे करता हूँ मैं, तो उसका 30% एचपी बचा हुआ है। ये गया फर्स्ट सेकंड स्किल, ये सेकंड स्किल गया ख़त्म, फर्स्ट स्किल सेकंड स्किल ख़त्म। अभी मेरा सेकंड स्किल भी अपग्रेड हो गया है, तो अभी देखो कैसे स्पैम करता हूँ मैं अपना सेकंड स्किल। जस्ट लाइक लिटरली गाइस मैं अपना सेकंड स्किल ना स्पैम कर सकता हूँ, स्पैम। अब जस्ट देखते जाओ कैसे स्पैम करता हूँ अपना सेकंड स्किल। इसको पहले मारते हैं डॉपलोज को, जिससे अपने को 50 गोल्ड पॉइंट्स मिलेंगे और अपन इजी जीत सकते हैं। अभी कंटेस्ट करने भी इसको कोई नहीं आ रहा, क्योंकि उनका ऑलरेडी डाउन था 2, तो कंटेस्ट करने भी कोई नहीं आ रहा। वो लोग इस टावर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, मतलब इस गोल को प्रोटेक्ट कर रहे हैं। अभी देखो मेरा स्पैम कैसे करता हूँ मैं। ये गया, हिट किया, कूलडाउन 0, हिट किया, कूलडाउन 0, हिट किया, कूलडाउन 0। ईजी गाइस, ईजी ट्रिपल किल, ईजी ट्रिपल किल। अभी मैं इधर मरने वाला था, तो मैंने अपना अल्टीमेट यूज़ कर लिया। अभी ये मेरे को चेज कर रहा था, बट इधर भी गाइस ईजी किल, देखो अभी स्टन कर दिया उसको, कितना स्लो हो गया वो देखो, मैं उसके बेस में हूँ फिर भी वो कितना स्लो है। ईजी किल गाइस, ईजी। आपने देखा कैसे स्पैम किया मैंने अपना सेकंड स्किल, लिटरली भाई पूरा पूरा उनका टीम ना मतलब ख़त्म हो गया उसी से ही, लिटरली उस पिकाचू को एंड वो और एक जो एडीसी बोल रहा मैं, क्योंकि वाइल्ड ड्रिफ्ट खेलता हूँ ना, तो उसमें एडीसी था तो वैसा ही, तो उसमें और एक जो टीम था ना वो तो पूरा का पूरा मतलब 1 शॉट हो गया वो दोनों। तो गाइस यही था गेम प्ले एंड आई होप आपको पसंद आया होगा। जल्दी न्यू वीडियोज आएंगी, सो मेक श्योर टू सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।